हेलो बच्चों, मेरा नाम अंकित विश्वकर्मा है। आप देख रहे हैं एट द रेट बफर बींग। इसको आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। जैसा कभी ना कभी आपने सुना होगा, यह एक बहुत स्पेशल टाइप की ग्लैंड होती है जो कि हमारे ब्रेन में स्थित होती है। आज हमें इसके बारे में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ये हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन के यानी अग्र मस्तिष्क के पिछले भाग में, जो अग्र मस्तिष्क हमारी होती है ये वाली पार्ट, इसके पिछले भाग में सेलर टर्सिका नामक स्थान पर स्थित होती है। चलिए इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। जो पहला होता है उसका नाम होता है पोस्ट पिट्यूटरी, इंग्लिश में कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। जो इसका दूसरा भाग होता है, इसका नाम होता है अग्र प्यूटिट्री, इंग्लिश में कहते हैं एंटीरियर प्यूटिट्री या एडिनो हाइपोफाइसिस, और जिसका बीच का पार्ट होता है उसका नाम होता है पार्स इंटरमीडिया, और दो और एडिशनल होते हैं जिसका नाम होता है पार्स ट्यूबरालिस, पार्स डिस्टालिस। तो ये स्पेशल इस टाइप से कहलाता है क्योंकि इससे ढेर सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारी बॉडी पर पूरा कंट्रोल किए रहते हैं। इसीलिए इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि। इसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो टोटल 14 हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि इसके पिछले भाग से दो हार्मोन निकलते हैं, यानी पस प्यूटिटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, और जो अग्र प्यूटिटरी होता है इससे 11 हार्मोन निकलते हैं, और जो पार्स इंटरमीडिया होता है इससे एक हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम होता है इंटरमीडियन हार्मोन। बाकी इसमें बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, इसमें से जो स्पेशल होता है ग्रोथ हार्मोन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी बॉडी को हाइट को कंट्रोल किए रहता है, यानी बढ़ाता है आवश्यकता अनुसार। अगर इसके थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाने से आपको रोग हो जाएगा, कम थोड़ा सा भी कम हो जाने पर आपको रोग हो जाएगा। तो ये हम लोग प्यूटिटरी ग्लैंड के बारे में जान चुके हैं। थैंक यू बच्चों।